मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिक पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ में हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा था मोलिकुलरिटी और ऑर्डर, यानी कि जो अपना रेट है उसकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी थी वो थी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर पे, और उसमें हमने मोलिकुलरिटी क्या है ऑर्डर क्या है वो पढ़े थे। उसके बाद इनमें डिफरेंस ओके थे, तो मैं जो इनमें डिफरेंस है इसी का रहेगा सी डेफिनेशन का, कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में लिखे हुए होते हैं वो उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी, और ऑर्डर में हम लिखेंगे कि है तो वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेकिन सारे नहीं है वही हैं जो कि उस रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करने का मतलब है कि उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज करने पे यदि आपका ये रेट है रिएक्शन का रेट वो चेंज होता है तो इसका मतलब रेट है वो उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और रेट लो में उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखा जाता है और उन्हीं की टोटल संख्या है वो ऑर्डर के इक्वल में मानी जाएगी। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस इन बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, जिसमें इनकी जो डेफिनेशन है वो भी साथ में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन है ना उसमें से जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन उन क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जैसे दो प्रकार के इक्वेशन बनते हैं, एक होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखें स्टार्ट करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। सबसे पहले लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन होगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जीरो नाम है ना, ये किसके लिए लिखा है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया। फर्स्ट देखें यहाँ पे फर्स्ट रहेगा अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी आपकी जो हेडिंग ना इस वाले की वो है मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन, मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन है उनके मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ने, मैथमेटिकल डेरिवेशन का मतलब उसमें एक तो निकालनी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड निकालनी यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो इस वाले में अपनी फर्स्ट रिएक्शन रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग ही है मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन। इसमें जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन में उसमें फर्स्ट रहेगी अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है दिख रहा है क्या? फर्स्ट में पढ़ेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन में आएगा कि वे रिएक्शंस वे केमिकल रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करता है उन्हें क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर। जीरो फर्स्ट सेकंड के अंदर ये रिएक्टेंट रिएक्ट लो में लिखी हुई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, पावर होती है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि वे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि रेड लो में यहाँ रिएक्टेंट लिखा हुआ होगा उसकी पावर क्या होगी, जीरो, जीरो पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक बार फिर से सुने, वे केमिकल रिएक्शंस जिनका रेट उनके रिएक्टेंट की जीरो पावर पे डिपेंड करता है उन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अब देखें केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए केमिकल रिएक्शन थी, उस केमिकल रिएक्शन में सपोज रिएक्शन, उस रिएक्शन में ए रिएक्टेंट से क्या बन गया आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम ये मान रहे हैं कि रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के लिए जब हम रेट लिखेंगे रेट लो में वो लिखा देगा रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के नोट लगा देंगे ना, पहले तो ये आएगा इसमें
समानुपाती होती है इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 0 पावर में। सेकेंड में हम इस समानुपाती वाले साइन को हटाएंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाले को, तब यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को के से लिखेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, के 0 ए नॉट, याद है, सॉरी ए की पावर में है 0। और ये अपने को पता ही है किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। अब पावर की वैल्यू 1 नहीं आएगी, पूरे का ही क्या बनेगा, 1 बनेगा, किसी की पावर 0 का मतलब है क्या आएगा, 1। तो इस इक्वेशन में जब हम इसकी इसको एक नंबर लिखें तो ए नोट की जगह ए की पावर 0 की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 से के नोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, के नोट रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीएक्स अपॉन में डीटी इज इक्वल टू के नोट। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 ये डीएक्स अपॉन डीटी ने इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर जो 2 है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। और ये बताते क्या है, तो हम कहेंगे कि जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है वो रेट पर कंसंट्रेशन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसको बताती है। तो ये आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस इक्वेशन नंबर 2 एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो क्या बताती है, रेट पे किसी भी रिएक्शन के रेट पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताती है। अब देखें ये जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसकी ये जो 2nd नंबर रिएक्शन है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो कि रेट पर कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बताती है, इसमें इसमें देखो कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का स्टेप है ही नहीं ना, ये तो रेट है, ये के नोट यहाँ पे क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट है, तो इस वाले इक्वेशन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को स्टेप ही नहीं है, स्टेप नहीं है, इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन नंबर 2 को देख के बोले हम ये बात कि 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट, 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन या फिर हम बोले रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तभी तो उसकी पावर 0 बोली थी हमने, वो पता है किसी पावर 0 का मतलब क्या था, 1 होता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी dx quantity। अब उसके बाद में क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को यदि हम dt को इस साइड ले जाना चाहें तो क्या बनेगा, यहाँ ये भाग में इस जगह मल्टीप्लाई में dx इज इक्वल टू के नोट dt, ये इक्वेशन बन गई, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ चेंज किया गया कि यहाँ से dt को उठा के हम इस साइड लेंगे तो उससे बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू के नोट, इसको करेंगे तो क्या आएगा t, इसका अक्ष आएगा, इस पर t आएगा, प्लस में c, c क्यों लगाया क्योंकि c यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगर सुन रहे इस वाले इक्वेशन को सोल्व करें तो ये वाले इक्वेशन बनेगा इक्वेशन नंबर 4, इसका अक्ष बनेगा के नोट वैसे का वैसा और dt का इंटीग्रेशन करने पर t बनेगा प्लस में c, यहाँ पे बोलेंगे कि c क्यों लगा दिया हमने, तो c के लिए बोलेंगे कि यहाँ पे c क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में जो c है वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के लिए लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, सभी जगह लगता है कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन करने पर नहीं लगता, कब लगेगा, यदि यहाँ पे इंटीग्रेशन करते टाइम मतलब कि अक्ष है उसका इंटीग्रेशन हमने ऐसे किया dx का इंटीग्रेशन, तब तो ये आएगा dx सॉरी x प्लस में c, dx का x प्लस में c, अब आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन यदि इसी dx का हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया लिमिट में कि x 1 से लेकर, इसमें लिमिट नहीं बताई कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं कि x 1 से लेकर के x 2 तक हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा x 2 माइनस में x, यानी यहां पे क्या नहीं आएगा, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं कांस्टेंट नहीं आता है। तो यदि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट होता है, लिमिटेशन नहीं दी हुई हो इंटीग्रेशन की, तब वहां पे
रिजल्ट के साथ में क्या आता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा, और यदि इंटीग्रेशन है विद इन लिमिट होता है, लिमिट दी हुई होती है इस प्रकार से, तो वहां पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं रखी, विदाउट लिमिटेशन हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट पे हमने साथ में क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को लगा दिया। अब ये बता रहा है कि यदि टाइम जीरो पर टी इज इक्वल टू, टी टाइम को बता रहा है, तो ये बोल रहा है कि इफ टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम जीरो का मतलब वहां पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टी जीरो हो तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये अक्ष यहाँ पे किसकी पावर किसको बता रहा है, ये अक्ष यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है अपना उसकी पावर, प्रोडक्ट की जो मात्रा है कंसंट्रेशन है उसको बता रहे। जब टी जीरो है, रिएक्टेंट ए है, ए से क्या बना था, प्रोडक्ट बना था, टी इज इक्वल टू जीरो है मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, और इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम यहाँ पे एक अक्ष बोल रहे हैं, इसकी क्या क्वांटिटी या कंसंट्रेशन है, जब टी जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट अक्ष भी क्या है, जीरो है, बनेगा ही नहीं ना उस टाइम, तो हम लेंगे टी इज इक्वल टू जीरो, देन अक्ष इज इक्वल टू भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये दोनों लिमिटेशन जो है टी इज इक्वल टू जीरो पर अक्ष इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, यहाँ पे जीरो, यानी अक्ष की जगह जीरो इज इक्वल टू के नोट टी की जगह जीरो प्लस में सी, तो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू जीरो, सी तो जीरो नहीं होना क्योंकि प्लस में है, तो ये क्या होगा पूरा जीरो, और ये क्या है सी, जीरो इस तरह ले जाएंगे, माइनस जीरो प्लस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी की वैल्यू क्या आ गई अपनी, जीरो आ गई। अब सी की इस वैल्यू को हमें उठा के रखना इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन नंबर 4 में सी की जगह जीरो के, तो क्या बचे अपना अक्ष इज इक्वल टू के नोट सी, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, इसको 5 बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, चेंज क्या हो पाएगी, 5 से सी इज इक्वल टू जीरो को 4 में रख दिया हमने, यहाँ पे बनेगा अक्स इज इक्वल टू के नोट टी, और ये जो इक्वेशन नंबर बनी है अपनी 6, इक्वेशन नंबर 6 है वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जो मैंने बोल दिया ना हिंदी में समाकलित वेग समीकरण, तो इक्वेशन नंबर 6 है वो तो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर 2 तो बता रही थी रेट पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो बताती है कि कंसंट्रेशन है और टाइम के साथ साथ में किस प्रकार से चेंज होती है, कंसंट्रेशन है और टाइम के साथ साथ में, कंसंट्रेशन ये है प्रोडक्ट की और वो टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज होती है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के द्वारा बताया जाता है। अब ये नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन ही ये बताती है, जितनी भी ऑर्डर की रिएक्शन है उन सभी के डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो रेट पे कंसंट्रेशन के डिफेक्ट को बताती है, रिएक्टर की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, और ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज होती है उसे बताती है। अब देखो इस वाले इक्वेशन से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, इसको हटा दे तो ये समानुपाती में बन जाएगा, तो यहाँ पे बना है अक्ष समानुपाती थी, इसका मतलब क्या है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होने का मतलब है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अक्ष की वैल्यू बढ़ेगी, और अक्ष यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो अपने को पता है टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स भी क्या है जीरो है, क्योंकि बना ही नहीं है रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुए, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो वैसे वैसे अक्स की जो यहाँ पे क्वांटिटी है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम की क्या होती है प्रोपोर्शनल मानी जाएगी, अक्स समानुपाती क्या आ जाएगी यहाँ पे टी लगेगी। अब हम इसमें यदि ये माने कि इसका जो इक्वेशन है उसपे इस वाले में देख लो जो रेट है ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन का कोई स्टेप आया ही नहीं है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो अपने को एक ग्राफ बनाया है, यदि हम यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में बनाए रिएक्शन की रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो ये इक्वेशन अपने काम में आएगी और एक ये वाली इक्वेशन अपने काम में आएगी, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और एक आएगी अपने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वापिस लिख लेंगे इसको एक बार देखें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखें करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जीरो डायरेक्शन का क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डीएक्स अपॉन में डीटी, डीएक्स अपॉन में डीटी यहाँ पर किसको शो कर रहा है, रेड को, किसके इक्वल था, तो हम बोलेंगे था के नोट के इक्वल। आगे सुनो, इसका मतलब इसका ये जो रेड लो लिखा जाएगा जीरो डायरेक्शन का उसमें कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का कोई भी स्टेप नहीं है। हम यदि ग्राफ बनाए यहाँ पे इस प्रकार से, तो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, इस साइड से हमको लिखना है रेड, रेड बोले तो ये आएगा यहाँ पे डीएक्स अपॉन में डीटी, और इस साइड में अपने लिखना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए नोट बोल रहे, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए। पता है रेड अब इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किसको देख के बोल रहे हैं, इस इक्वेशन को देख के बोले कि रेड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जीरो डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम रहे ज्यादा रहे रिएक्शन की रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एक कांस्टेंट लाइन है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। इस प्रकार से लाइन आने का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट वो डिपेंड नहीं कर रहा, ये होगा इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जीरो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो, अपन यदि निकाले इसका ये डीएक्स अपॉन डीटी, सेकेंड जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी वो आई थी अपनी एक्स इज इक्वल टू के टी, इसको नहीं देखें ये एक्स के नोट माने तो ये क्या था, इसके दूसरे के समानुपाती थे प्रोपोर्शनल थे, तो यदि यहाँ पे हम रिएक्शन की टाइम टी और प्रोडक्ट की इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये क्या है टाइम, इसके बीच में ग्राफ बनाएं दोनों एक दूसरे क्या है प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है, क्योंकि तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है, तो सेकेंड ऑर्डर जो जीरो डायरेक्शन है उसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगा कि टाइम और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाने पर इस प्रकार से हमें एक स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। अब हम बनाते हैं इसमें यूनिट्स देखते हैं जीरो डायरेक्शन की, वैसे पहले देख के भी आए हैं तो अपने को पता है कि यहाँ पे रेड कांस्टेंट के की यूनिट्स क्या आएगी वो देखें, तो रेड कांस्टेंट के नोट इसमें है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे अक्ष इज इक्वल टू के नोट टी, तो अपने को देखने के नोट की यूनिट्स, तो के नोट इज इक्वल टू क्या आएगा अक्ष बाई टी, टी यहाँ से यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइडेशन में लिखा जाएगा, तो के नोट इज इक्वल टू क्या आएगा अक्ष क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसमें लिखी जाती है मोल पर लीटर में, और टाइम लिख दिया हमने सेकेंड में, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा ये के नोट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बनेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद में तीन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फोर देखें हम किस प्रकार से लिखेंगे, हाफ लाइफ लिखने अपने को, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को हिंदी में बोला जाएगा यहाँ पे अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब क्या हो देखें, अर्ध आयु का मतलब ये होता है कि जैसे रिएक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे हमने इसके 100 मोल ले लिए, तो मान लीजिए टी इज इक्वल टू मतलब हम बोला कि 5 मिनट बाद में इसके यहाँ पे 50 मोल बच गए, क्योंकि 100 में से 50 इसमें कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पे कितने बच गए 50 बच गए, तो यहाँ पे जो इक्वल ये टाइम है 5 मिनट का, ये तो हमने रिएक्शन देखी जीरो टी इक्वल टू जीरो पे, फिर हमने टी इक्वल टू 5 मिनट पे रिएक्शन देखी, तो यहाँ पे पहले 100 मोल थे फिर 50 ही बचे थे इसके ऊपर, तो हम बोलेंगे कि जो 5 मिनट है ना वो इस रिएक्शन का क्या है हाफ लाइफ है, क्यों बोले 5 मिनट को, इसलिए बोले कि वह टाइम जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ रह जाती है आधी रह जाती है उस टाइम को हम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहेंगे, वह टाइम जिस पे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी हो जाती है हाफ हो जाती है उस टाइम को उस रिएक्शन का हाफ लाइफ या अर्ध आयु के नाम से बोला जाता है। तो हाफ लाइफ आगे समझ में, मतलब टी टोटल टाइम होता है, तो हाफ लाइफ को हम किससे शो करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, इसको लिखेंगे हम हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, इसमें से अक्ष का मतलब है कि अब अक्ष कितना होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे अक्ष भी कितना होगा
अपवेट होगा, अपवेट होने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितनी मान लें, ए नोट मान लें, या फिर हम स्मॉल ए से लिखेंगे जो अपना रिएक्टेंट एक है। जैसे ये रिएक्शन हो अपने यदि कि ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट सी बन रहा है, हम बोलेंगे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। अपने को कब देखना है, जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तब देखना है। तो इस रिएक्शन में टी की जगह क्या लिखना है, अपने वो इक्वेशन ब्लू पे कि एक्स इज इक्वल टू क्या थी, के नोट टी। इफ इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह तो क्या आएगा, ए बाई टू, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रहने में जो टाइम लगता है वही क्या है, टी हाफ टाइम है। तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, हाफ का मतलब है ए बाई टू, और टी की जगह अपने को क्या लिखना है, टी हाफ लाइफ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बाई टू इज इक्वल टू के नोट टी बाई टू। अब टी बाई टू अपने को निकालने क्या है, हाफ लाइफ निकालने, तो टी हाफ इज इक्वल टू के नोट इस साइड जाएगा, तो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी ए अपॉन में टू के नोट, ये इक्वेशन बनेगी। हाफ लाइफ की इक्वेशन कौन सी बनी है, वो वाली बनी है, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन में टू के नोट। अब इस वाले इक्वेशन से हम कैलकुलेशन क्या निकालेंगे देखें, इस वाले रिएक्शन से अपना कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि हम ये देखें, ये टू भी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, के नोट भी कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन से मतलब ये वाली इक्वेशन हो जाएगी अपनी, जो पीछे आई थी पांच छह के बाद में जो भी इक्वेशन है नेक्स्ट रख देना, हाफ लाइफ कुछ होगा। ये इस इक्वेशन से अपने को ये पता चला ना कि टी हाफ है वो इनवर्सली क्या है, सॉरी टी हाफ है प्रोपोर्शनल है ए के, दोनों ही कांस्टेंट है, इसको नहीं रखेंगे समानुपाती बना देंगे इसको, तो टी हाफ समानुपाती है इसके ए के, ए क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन की हाफ लाइफ इक्वेशन से यह शो हो रहा है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में, वैसे वैसे टी हाफ लाइफ भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे यदि हम टी हाफ लाइफ और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे इधर कोई तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है कि ये बढ़ेगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में क्या होती है, कम होती जाती है। समानुपाती का मतलब हम ये बोले कि जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टी हाफ लाइफ की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। आगे सुनिए, ये आपके जीरो रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चार पांच क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं हाफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसका, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है आपके कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो 100 मिनट में 50% कंप्लीट होती है। क्वेश्चन देखें किस प्रकार से रहेगा, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है 100 मिनट में 50% कंप्लीट हो गई, ठीक है। रिएक्शन किस प्रकार से बनेगी, जीरो क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100 मिनट में 50% कंप्लीट है, तो 200 मिनट बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी। इस क्वेश्चन में देखो अपने को गिवन क्या क्या दिया हुआ है, अपने को हाफ लाइफ दी हुई है, सबसे पहले देखिए 100 मिनट है, क्योंकि 50% कंप्लीट वह टाइम जिस पे कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। 50% का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए थे उससे हाफ जो उसकी कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चेंज होगी, तो हाफ ही बचेगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल से हाफ बचने में जो टाइम लगता है वही उसकी क्या है, हाफ लाइफ है। तो हमें क्वेश्चन में को देख के क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अपने को दिया हुआ है टी हाफ लाइफ, यहाँ पे 100 मिनट देंगे, 50% कंप्लीट होगी, तो उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 200 मिनट बाद में वो देखिए। तो अपने को यहाँ पे टी टाइम दिया हुआ है कि 200 मिनट बाद में अपने को क्या करनी है, चेक करनी है। इस रिएक्शन को देखने से ये लग रहा है, अब हम देखेंगे इससे क्या निकलता है। अपने को बताया अपने जो टी हाफ लाइफ वाला लिखा था, या फिर हम डायरेक्ट इसमें के नोट की वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले देखो के नोट निकालेंगे पहले, तो के नोट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई के नोट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ये था अपना इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनेगी इस प्रकार से। अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है वो देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन हम खुद से मानेंगे कि मान लीजिए रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है ए वो कितनी है, 100 है,
कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट्स आएगी मोल लीटर इनवर्स में, ठीक है। ये बोल रहा है कि 100 मिनट बाद में, आफ्टर 100 मिनट के बाद में बोला 50% कंप्लीट होगी, इसका मतलब इसका हाफ ही बचेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम बोलेंगे ए माइनस अक्ष इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 माइनस 50, तो यानी कि 100 मिनट के बाद में कितनी बची हुई रहेगी, तो हम लिखेंगे कि 100 मिनट के बाद में इसकी कंसंट्रेशन बची हुई मिलेगी अपने पास में 50 मोल लीटर इनवर्स, ए माइनस अक्ष की वैल्यू आ गई, सॉरी, ठीक है। ए माइनस अक्ष यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में 100 मिनट के बाद कितनी बचेगी, तो हम बोलेंगे 50% कम्प्लीट हो गई, तो कितनी बचेगी, 50 मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे बच जाएगी। अब अक्ष की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो अक्ष इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 100 माइनस में ए माइनस अक्ष, ए माइनस अक्ष कितना यहाँ पे 50 है, तो अक्ष की वैल्यू भी कितनी आ गई, 50 मोल लीटर इनवर्स, 50 मोल लीटर इनवर्स है इसकी वैल्यू, वो आ गया। अब इस इक्वेशन में रखते हैं इसको, तो के नोट इज इक्वल टू अक्ष कितना आ गया अपना अपना 50 मोल लीटर इनवर्स, टाइम कितना लगा अपने को, 100 मिनट का टाइम लगा, 100 मिनट। अब देखो के नोट कितना आ गया, तो हम बोलेंगे यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, 1/2 का बोलेंगे 0.5 यूनिट्स रहेगी मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये आ गया अपना के नोट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अपने को क्या निकालना है कि 200 मिनट के बाद में रिएक्टर की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होगी, कितनी बचेगी। अब यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में इस बार अपने को ये पता है, ये पता है, ये वाले क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से बनाएंगे, अक्ष एक साइड में रहे, के और टी एक साइड में रहे, तो हम लिख सकते हैं इसको अक्ष इज इक्वल टू टी को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, के नोट टी। अक्ष क्या है, जो है रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो आफ्टर 200 मिनट के बाद में बचेगी, तो अक्ष इज इक्वल टू के नोट यही वाला रखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स इंटू में टाइम दिया हुआ आपको 200 मिनट। अब मिनट से मिनट इनवर्स कैंसिल, उतना जो अक्ष बचेगा वो देख लो इससे मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो इससे के और यहाँ पे बचेगा अपना उल्टा लिख देंगे 0.5 मोल लीटर इनवर्स, इसे 5 से इसको मल्टीप्लाई देंगे तो ये आएगा 100 मोल लीटर इनवर्स। ये बोला कि 200 मिनट के बाद में, 200 मिनट के बाद नहीं, यहाँ अक्ष क्या बोला ये कि प्रोडक्ट की इतनी मात्रा बन गई, ये बोला 200 मिनट के बाद में प्रोडक्ट, अक्ष तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, ये बोला 200 मिनट के बाद में प्रोडक्ट की इतनी कंसंट्रेशन बच गई, अपने को निकालनी है ए माइनस अक्ष कब, 200 मिनट के बाद में। ए हमने क्या लेता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से अपनी 100, माइनस में 200 मिनट बाद में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितनी बन गई, 100 मोल लीटर इनवर्स बच गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। कहने का मतलब ये है कि 200 मिनट के बाद में ये जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 बच गई, 0 बच गई, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट रिएक्शन आफ्टर 200 मिनट, 200 मिनट के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसको देखने से पता चल रहा है क्योंकि जितनी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी उतनी ही 200 मिनट के बाद में बन गई। वैसे इससे भी दिख रहा है ना आप लाइक से कि 100 थी तो 50% कंप्लीट हुई कब, 100 मिनट हुई, 100 मिनट में, 100 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, इसका मतलब है कि 100 मिनट बाद में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स बचे हुए मिलेंगे, 100 थे इनिशियल 50 बचेंगे, 50 चेंज हो गए, इसके बाद वापस हम क्या लगाएंगे, 100 मिनट और लगाएंगे, 100 मिनट ले तो 50 जो बचे हुए यहाँ पे कम्प्लीटली इसमें चेंज हो जाएगी, कम्प्लीटली यहाँ पे ये रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बिल्कुल भी नहीं बचेगी, दो हाफ लाइफ होते ही हो जाएगी 50-50 कंप्लीट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो कई बार एग्जांपल लिखने ही आ जाते हैं डायरेक्ट, या फिर कई बार एग्जांपल देख के ये पूछते हैं कि कौन सी रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल है, या इस रिएक्शन में कौन से ऑर्डर वाले रिएक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखें फिक्स है 3-4 एग्जांपल्स, इसके वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ए
एक तो है यहाँ पे एग्जांपल्स में NH3 वाला, आप गठन वाला ना, 2NH3, टंगस्टन यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में लिया है, तो यहाँ पे बनेगा N2+ में 3H2। ये वाली रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, N2+ में 3H2। इसके अलावा ये ले, इसमें के अलावा ये ले ले हम 2HI, इसका भी यहाँ पे अपघटन करवाना है, कैटलिस्ट के रूप में ओरम लिया है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? H2+ में। अब कोई रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है जो किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि हमने करवा लिया CH3COOC2H5, एसीटिक एसिड हमने क्या करवा लिया, जल अपघटन करवा लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3COOH+ में C2H5OH, एसिड प्लस एल्कोहल बन गया। अब इस रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा, तो रेट में हम क्या लिखेंगे, रेट में लिखेंगे हम K₀CH3COOC2H। आप बोलोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट की पावर उन पे डिपेंड कर रहा है रेट, इसके रिस्पेक्ट में C2 एसिटिक एस्टर के रिस्पेक्ट में तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की ही है, लेकिन H2O के रिस्पेक्ट में हमने बोला कि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर हो सकती हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें हम एसिटो एसिटिक एस्टर का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, उसमें H2O का कोई स्टेप नहीं लिखा हुआ, लिखे तो भी इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी पावर जीरो पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो H2O रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में क्या जीरो ऑर्डर है, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। वे रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है वो क्या कहलाते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन में ये जो H2O है आपके, उसके रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो मानी जाएगी। इसके अलावा एक रिएक्शन और देखें, जैसे है 2HCl, HNO से क्या बनेगा? H2+ में Cl। फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक अपघटन करवाया हमने उसका, इस वाले का सॉरी उल्टा लिख देंगे, इस प्रकार से रिएक्शन H2+Cl2 से क्या बनता है? 2HCl का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे इसमें क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके एग्जांपल्स हैं। इसलिए और देखो ऐसा और देखो ना, ये NH3 का था, इसी प्रकार से आप फोस्फीन का भी अपघटन करवा सकते हो, सेम यही बनने P2+ में 3H2। आ गया समझ में? तो ये जो एग्जांपल्स है वो कह रही है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स है वो। यहाँ तक हो गया आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड रेडिक इक्वेशन, डिफरेंशियल रेडिक इक्वेशन, फिर हाफ लाइफ वगैरह, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।